अब आपको अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताएंगे, तो आप जब देखिए, मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, हिंदी वाक्यों में के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है आदि आते हैं। तो इसमें क्या होता है, सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग होता है, हैज और हैव, इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग किन किन के साथ में होगा, हैज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन के एकवचन के साथ होता है, जैसे ही, शी और कोई एक वचन में कोई एक नाम या एक वचन, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होगा, और हैव का प्रयोग सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सबके साथ, इन सब के साथ, तथा थर्ड पर्सन का जो बहुवचन होता है उसके साथ होता है। पहले तो थर्ड पर्सन का बहुवचन ये होता है, दे के साथ भी हैव का प्रयोग होगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, वी के साथ होगा और यू के साथ होगा। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि इसमें जब भी हैज हैव ये सहायक क्रिया होती है तो इनके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है, क्रिया में, इसमें क्रिया में थर्ड फॉर्म लगेगी। पहले करता है ही, फिर हैज हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके लिए फॉर्म याद रहनी जरूरी है। तो रीड में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, रीड की थर्ड फॉर्म रेडी होती है, तो रीड के हिसाब से चलेंगे। तो देखते हैं, वह पढ़ चुका है, तो सबसे पहले लिखेंगे ही के साथ सहायक क्रिया है जाएगी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होगी, ये थर्ड फॉर्म में ध्यान रखना विशेष रूप से, ही हैज रेड, इसको बोलने में रेड बोलते हैं, बाकी स्पेलिंग इसकी रीड है, आर ई ए डी। दूसरा, वह पढ़ चुकी है, इसमें होगा ही नहीं होगा, क्या होगा, पढ़ चुकी है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, तो सी होगा, सी हैज रीड। अब अगला देखते हैं, वे पढ़ चुके हैं, इसका हो जाएगा दे हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, यू हैव, यू नहीं आएगा, आई हैव रीड, और तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड। ये लीजिए, ये हो गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पॉजिटिव जो सेंटेंस है वही है। अब नेगेटिव और इंटरगेटिव और बता देते हैं, वो भी देख लेना, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि सहायक क्रिया पहले आ जाएगी तो वो इंटरगेटिव चेंज हो जाएंगे, और सहायक क्रिया के बाद में नोट आता है, जैसे वह नहीं पढ़ चुका है या उसने नहीं पढ़ा है, दो प्रकार से होते हैं इनके बोलने के बाकी तरीके, उसने नहीं पढ़ा है या वह नहीं पढ़ चुका है, तो ही हैज नॉट रीड, वैसे ही सी हैज नॉट रीड, और ले लीजिए दे हैव नॉट रीड। अब देखिए
कल हमने एक टेंस पढ़ा था, उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो अपन नहीं पढ़े थे, तो वो बता देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे, जैसे पॉजिटिव में थे ऐसा वाक्य होगा, कैसे होगा, जैसे ही रीड। अब देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य था ही रीड्स, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा ये आपको थोड़ा नहीं बताया था, बीच में से वापस बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जिसमें एस या ई एस लगा होता है ना, वहाँ डज आ जाएगा, है ना, डज नॉट हो जाएगा। नेगेटिव कैसे हो जाएगा, ही डज नॉट रीड। और जिसमें एस या ई एस नहीं लगा हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा, दे डू नॉट रीड, ऐसे हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। वैसे ही आई डू नॉट रीड, यू डू नॉट बोल सकते हैं, डोंट भी बोल सकते हैं, डोंट रीड ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनना है, प्रश्नवाचक वाक्य, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा ऐसे, डज ही रीड, फिर बनेगा डू दे रीड, फिर बनेगा डू आई रीड। इसके अलावा डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह पढ़ता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे बनेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना साथ में। अब देखिए प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दे दिया, तो उसके लिए क्या होगा, पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए उसमें समय का आना जरूरी है। समय दो प्रकार से होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। एक तो होता है समय का इशारा, एक पीरियड अवधि, एक होती है अवधि, और एक होता है संकेत। दो प्रकार से होता है, तो उसमें देखना आप कैसे होता है। सिंस फोर का प्रयोग पहले जानना जरूरी है, पहले जानिए आप सिंस और फोर का प्रयोग। कौन से टेंस में काम आएंगे ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसके अंदर क्या होगा, सिंस और फोर का प्रयोग आएगा। सबसे पहले तो आपको फोर का प्रयोग बता दूं, आपको फोर का प्रयोग कहाँ होगा, अवधि, निश्चित जो अवधि होती है समय की, उसमें फोर का प्रयोग होता है। जैसे मैं बताऊं कि एक दिन, तो एक दिन या पांच दिन, पांच दिनों की ये अवधि है ना, जैसे डेज, है ना, मंथ्स, ईयर्स, ऐसे और भी घंटे, है ना, आवर्स, तो इनमें फोर आता है। सिंस का आता है जैसे निश्चित समय दिया जाता है, जैसे देखिए आप सोमवार को, है ना, तो या मंडे आ गया। अब मान लो जनवरी, है ना, महीने का नाम है, यहाँ पर महीने नहीं है, दिन नहीं है, दिनों का नाम है, महीने नहीं है, महीनों का नाम है, और यहाँ साल नहीं, साल का नाम जैसे 2021। घंटे, अब घंटे में क्या होगा, जैसे 9
एएम 9 बजे। तो ये इनमें सेंस का प्रयोग होगा, इनमें फोर का प्रयोग होगा। तो इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखना, सेंस फोर का प्रयोग भी साथ में चलेगा। अब देखिए, अब इसका नियम आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, मिटा देता हूं इसको। इसकी पहचान क्या आती है? इसमें क्या होता है, समय अवश्य आता है, समय प्लस रहा है या रही है, रहे आदि इसकी पहचान। अब इसमें क्या होगा, नियम वही लागू होने जो परफेक्ट में बैठे, इसमें थोड़ा फर्क है। जैसे हैज है तो यहां हैज बीन लग जाएगा, हैज बीन, और सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग होगा। इसके अलावा वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगेगा, फिर लगेगा फोर या सिंस, फोर या सिंस में से कोई एक, है ना, फिर समय, फिर समय, ऐसे आपके वाक्य बनेगा। तो बना के देखता हूँ मैं। जैसे वह 3 दिन से पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए इसकी पहचान कैसे हुई, रहा है, लेकिन रहा है के साथ समय आया है, कितने दिन से, 3 दिन से, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य माना जाएगा। अब इसका अनुवाद ऐसे होगा, वह का हो जाएगा ही, अब ही के साथ सहायक क्रिया लगेगी हैज बीन, अब वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का बन जाएगा रीडिंग, रीड के साथ रीडिंग। अब यहां फोर आएगा, 3 दिन अवधि है समय की, तो फोर 3 डेज, फोर 3 डेज, ऐसे होगा। यह है प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य। ये मैंने एक ही बताया है, अब और एक दो उदाहरण और बता देते हैं आपको। जैसे मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, या पढ़ रहा हूं लिख देते हैं, मान लीजिए सोमवार से पढ़ रहा हूं, तो ऐसे हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, सिंस मंडे, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, हो गया। अब एक वाक्य और लिखना चाहो तो और लिख लो, वे तीन घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, ये अब देखिए, दे हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, ए बुक, फॉर 3 आवर्स। अब इसमें आपने, हमने नहीं लिखा था, इसमें ही हैज बीन रीडिंग अ बुक, इसमें भी ए बुक छूट गया, एक पुस्तक पढ़ रहा था वो, ए बुक फॉर 3 डेज, इसको सही कर लेना, करेक्ट। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है आज आपका पूरा हुआ। इसमें नेगेटिव बनाना है तो इसमें क्या होता है, थोड़ा आई हैव नॉट बीन, नॉट हैव, हैज और हैव के बाद में। अब आप देखें इसका नेगेटिव कैसे होगा,
ये जो हैज और हैव है ना, इसके बाद नॉट लग जाएगा। जैसे ही हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक थ्री फॉर थ्री डेज, वैसे यहाँ हो जाएगा आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। तो वो आपको नेगेटिव वाक्य भी आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।